अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे आया हूँ। देखते हैं यहाँ पर कौन सा जानवर फंसा पड़ा है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जानवर है यहाँ। दो पॉर्कोपाइन इस ट्रेंच में गिरे हैं। रात के अंधेरे में इनके पीछे कुत्ते या तेंदुआ दौड़ा होगा, इसलिए इस ट्रेंच में गिर गए होंगे। तो अब इनको पहले हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे किसी को चोट तो नहीं लगी है। फिलहाल हम इनको बाहर निकालते हैं। इनको बड़े एहतियात से निकालना पड़ता है, क्योंकि इनके कांटे अगर चुभते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए एहतियात से इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन इनके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं। इनको बारी बारी से मैं बाहर निकालूंगा। ये एक बहुत भारी है, करीब करीब 20 केजी का होगा ये। तो मैं एक हाथ से इसको ऊपर नहीं चढ़ा सकता, अब इसके लिए दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बाहर निकालने में, लेकिन हो जाएगा। जो दूसरा है वो छोटा है, और ये माँ है दरअसल, वो इसका बच्चा है, लेकिन वो बहुत बड़ा बच्चा है, वो छोटा बच्चा भी नहीं है। अब मैं दूसरे को भी बाहर निकालूंगा और उसके बाद देखूंगा इन पर कोई ज़ख्म तो नहीं है। और कुछ दोस्तों ने कहा था, इससे पहले मैंने इंडियन क्रिस्टीज पार्कोपाइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो कुछ दोस्तों को लगा था शायद मैं गलत कह रहा हूँ। तो उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस बारे में खुद भी पढ़ सकते हो। ये जानवर खतरनाक नहीं होता है, हाँ फसलों का नुकसान करता है क्योंकि ये रूडेंट खादान से आता है, लेकिन इंसान के लिए यह कोई खतरा नहीं होता है और ना ही यह अपने ये कांटे फेंकता है। तो फिलहाल हम बाहर जाते हैं और देखते हैं इनको चोट तो नहीं लगी है। इन पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी है, इसलिए पहले इनको पानी से हम धो रहे हैं, इनकी सफाई करके फिर इनको देखते हैं इन पर कोई चोट तो नहीं लगी है। वहाँ पर हम फिर इनको दवाई लगाएंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। अब पूरी तरह से ये साफ़ हो गया है, अब कोई मिट्टी इस पर नहीं रही है। तो इसको अब ऐसे ही रहने देंगे एक दो घंटे तक, जब तक ये रिकवर ना हो जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर इसको ज़रूर करना, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर।
करना।